कर दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी शिपिंग लाइन से अगर आप बुकिंग लेते हैं तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या बेस्ट रहेगा क्या बेस्ट नहीं रहेगा। अगर रोल ओवर करते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा या कैंसिल कराते हैं तो बेनिफिट रहेगा, अगर स्पॉट बुकिंग है तो ठीक है। पहले तो रोल ओवर जो बुकिंग है बहुत मुश्किल होती है, स्पॉट बुकिंग होती है तो, और नॉर्मल जो बुकिंग होती है वो रोल ओवर हो जाती है, लेकिन कुछ चार्जेस होते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊं क्या बेस्ट रहेगा, क्या करना चाहिए उस बुकिंग का अगर आपने बुकिंग ले ली है तो ठीक है। सारी चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो अभी मैंने न्यू ईयर पे एक अपना नया ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस चैनल का जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो जिस पर्पज से मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले उस टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि तो मान लीजिए अगर आपने किसी भी शिपिंग लाइन से बुकिंग लिया है और किसी भी कारण वो बुकिंग यूज नहीं हो रही है, या तो शिपर का जो कार्गो है वो रेडी नहीं हुआ है, और या कोई अदर कारण कुछ भी हो सकता है कि बुकिंग यूज नहीं हो रही। मान लीजिए बुकिंग आपकी यूज नहीं हो रही है ठीक है, और कैंसिलेशन चार्जेस भी लग रहा है, और मान लीजिए उसका जो कार्गो है अगला जो आगे जो जो डेट दी है उन्होंने स्टफिंग की, उसके बाद कोई जो वैसल है उस तक जो अगर उस पर अगर कंटेनर जाएगा तो जब तक कार्गो रेडी हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए। दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, पहले तो आप या तो उस बुकिंग को कैंसिल करा दीजिए कैंसिलेशन चार्जेस पे करके, और या फिर आप रोल ओवर करा दीजिए। तो दोनों में क्या बेस्ट रहेगा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर जब भी अगर आप स्पॉट बुकिंग की बात करें तो स्पॉट बुकिंग अगर आप लेते हैं तो फाइनली आप पता कर लीजिए कब कार्गो रेडी हो रहा है और तभी उसी हिसाब से आप बुकिंग लीजिए, और आप स्पॉट बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस भी आपको कस्टमर को दे दीजिए, वो भी आप मेल में रिटर्न एग्री कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, स्पॉट बुकिंग में इतना प्रॉफिट होता नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर जो है वो जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो पे नहीं करता है, कई बार होता है कि पे नहीं करता ठीक है। अगर आपने एग्री किया है तो जरूर पे करेगा। तो सबसे पहले मैं आपके पहले ये चीज का तो आपको ध्यान रखना है, और दूसरी बात अगर बाय द वे अगर उसने एग्री करने के बाद भी उसके बाद भी कैंसिल हो गई है तो आपको क्या करना है, या तो उसको रोल ओवर कराना है। पहले तो आपको दोनों ऑप्शन है, दो मैंने आपको बताया दो ऑप्शन आपके पास है, तो पहले तो आप देख लीजिए उसका जो दो ऑप्शन है आपके पास, रोल ओवर का और कैंसिलेशन का। अगर तो मान लीजिए एक्सपोर्टर ने यूज नहीं किया बुकिंग ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहले कैंसिलेशन का फिर रोल ओवर। रोल ओवर मतलब आप दूसरे नेक्स्ट वेसल जो अपकमिंग वेसल है उस पर आप उसको ले सकते हैं, उसका भी चार्जेस होता है, जो उसका चार्जेस होगा और कैंसिलेशन चार्जेस का आप दोनों का कंपेयर कर लीजिए कौन सा बेस्ट है ठीक है। तो अगर कार्गो रेडी उसका नेक्स्ट वेसल तक हो जाता है तो आप उसको रोल ओवर करा लेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा ठीक है। और अगर कैंसिल कराते हैं आप देख लीजिएगा, अगर स्पॉट बुकिंग है या नॉर्मल है दोनों का आप एक बार कैंसिलेशन चार्जेस देख लीजिएगा कि कितना चार्जेस आ रहा है ठीक है, जो आपको बेस्ट रहेगा। अगर कैंसिलेशन चार्जेस आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप रोल ओवर करा लीजिए, और अगर बाय चांस अगर नेक्स्ट वेसल पे भी अगर वो बुकिंग यूज नहीं हो रही है तो आपको कैंसिलेशन करानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप अगर रेट टू रेट आपको बुकिंग कहीं यूज हो रही है तो आप किसी भी फॉरवर्डर को देकर उसको यूज कर सकते हैं, और आप जो कैंसिलेशन चार्जेस है उससे बच सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन रहते हैं, अगर आपका बुकिंग यूज नहीं हो रही है तो आप ये दोनों तरीके अपना सकते हैं, जिससे आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी नहीं लगेगा और आपका बुकिंग भी यूज हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है, इन दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और कैंसिलेशन चार्जेस आपको नहीं लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।